दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और अभी टाइम हो रहा है दिन के सुबह के मतलब 11:30 बज रहे हैं और मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर ओखला फेज 3 के पास में हूँ। लास्ट ड्रॉप मेरा अभी यहीं हुआ था। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरे पास काफी कमेंट्स आए कि मतलब आप एक वीडियो आर्टिका के ऊपर भी जरूर बनाइए कि आर्टिका अगर गाड़ी लेनी हो तो उस पर कितना काम आता है और अच्छा काम है ओला ओवर में गाड़ी लगाना, मतलब फायदेमंद रहेगा अटैच करा के और खुद चलाएं या ड्राइवर से चलवाएं। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे पास कमेंट्स में आते रहते हैं काफी भाइयों के, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो आपको बना रहा हूं और आपको इस चीज की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे मेरी जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। काफी मेरे मतलब सब्सक्राइबर ये जानना चाह रहे हैं कि एर्टिगा गाड़ी में मतलब ओला उबर के लिए क्या है, मतलब काम अच्छा है, कितना काम हो जाता है। तो दोस्तों ये काम मतलब इसमें ओला उबर के अगर आप देखें, सबसे पहले अगर आप नए यूजर हो, नई गाड़ी निकलवाना चाह रहे हो और इस लाइन में नए आ रहे हो तो इसमें मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, अगर आप ओला उबर के भरोसे गाड़ी लोगे तो इसमें मतलब काम ये लगा लीजिए। मेरा जितना भी अभी 6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने काफी ड्राइवर जो एर्टिगा चलाते हैं उनसे पूछने की कोशिश करी, क्योंकि छोटी गाड़ी में तो आराम से आपके पास उबर गो की राइड आती है, उबर मतलब प्राइम की बुकिंग्स आ जाती है। तो छोटी गाड़ी में क्या है कि चलता रहता है, मतलब एक तरीके से बुकिंग्स थोड़ी देर नहीं आती तो आती रहती है, मतलब शाम तक आती है। और एर्टिगा में क्या है कि आपको पूरे दिन में 1 से 2 बुकिंग या 3 बुकिंग मिलती है। बट हाँ, इसमें यह है कि अगर आपकी एक बुकिंग भी एर्टिगा में आ गई तो उसमें जितना आप छोटी गाड़ी में आधे दिन में कमा रहे हो वो एक राइड में पूरा कवर अप कर देती है। दोस्तों ये इसमें फायदा है क्योंकि एक्सल गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, 6 सीटर, और इसमें फेयर भी अच्छा खासा बनता है। तो मतलब और अर्निंग की अगर बात की जाए, हम जैसे अब वैगनार में हम अगर 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं, सपोज 12 से 15 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो हमारा 2.5 से 3 हजार तक का काम होता है, ठीक है, जिसमें हम अगर सीएनजी हटाए, आप देख ही रहे होगे जिस हिसाब से सीएनजी के प्राइस है, एक बार सिलेंडर आप फिल कराते हो तो 600 रूपये का सिलेंडर आपका लगता है। तो मतलब अगर आप 2500 से 3000 तक का काम कर रहे हो तो आपकी मतलब 1200 रूपये से 1200 रूपये तक की सीएनजी मतलब एक मतलब उसमें 2 बार में लग जाती है। तो उसमें आपका मतलब नेट जो आता है, फिर आप ये लगा लीजिए 3000 का काम किया है तो 1200 रूपये उसको हटाओगे तो फिर आपके पास जो आएगा नेट अर्निंग 1800 रूपये आएगी। और सेम चीज इसमें होता है, इसमें अगर आप पूरे दिन में 2 बुकिंग भी करोगे तो ऑन एवरेज वही आ जाती है। तो अगर हम कहें कि जो काम निकल के आ रहा है वो एर्टिगा पे भी उतना ही आ रहा है, ठीक है, और छोटी गाड़ी जो है उस पे भी उतना ही आ रहा है। बस ये है कि छोटी गाड़ी पे आपको छोटी छोटी बुकिंगें मिलती है, 8-8 किलोमीटर की, 10-10 किलोमीटर की। एर्टिगा में आपको 15 किलोमीटर की बुकिंग भी मिलेगी तो उसमें अच्छा फेयर मिल जाएगा, मतलब 15 किलोमीटर में आपका 300-350 रूपये आराम से, या 400-500 भी दे सकता है, डिपेंड करता है ऑन डिमांड सर्च के ऊपर और लोकेशन के ऊपर, हाई डिमांड में चल रहा है। तो ये सब चीजें है बेनिफिट में। तो मैं उन भाइयों को ये बोलना चाह रहा हूँ जो भी इस लाइन में आना चाह रहे हैं, नई गाड़ी के लिए सोच रहे हैं, तो काफी भाई मेरे बोलते हैं कि अच्छा काम है एर्टिगा पे, अच्छा काम हो सकता है। दोस्तों आपके पास 6 सीटर 7 सीटर गाड़ी है, अच्छा काम और भी आप निकाल सकते हो, बट ओला उबर में इतना काम नहीं है बड़ी गाड़ियों पे, ठीक है। तो उससे बढ़िया ये है कि आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे वेंडर से जुड़े, जो भी आउटसोर्सिंग की बुकिंग देता है तो आप प्राइवेट बुकिंग इसमें मार सकते हैं, तो उसमें आपका अच्छा खासा पैसा है। ओला उबर में क्या है कि आपको कमीशन भी देनी पड़ती है, ओला उबर अपना सेफ साइड है, डेली एक दो बुकिंग आप उससे करिए, बाकी एक ऐसा वेंडर या होटल्स वगैरह में जिसमें आपका खुद जान पहचान हो उसमें आप लगाओगे तो जितनी मतलब ये है कि डेली के आप 3 से 4 हजार रूपये आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको एक भी आगरा का रूट मिल गया, सपोज 3 हजार का, 3-3.5 हजार का आगरा का रूट पड़ता है दिल्ली से एर्टिगा गाड़ी का,
तो आप उसमें भी निकाल सकते हो, मतलब अप डाउन करोगे तो 4 से 5 हजार आप निकाल सकते हो अगर आपकी किसी वेंडर से बातचीत है। बहुत से व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, काफी ड्राइवर भाई उनमें ऐड हो रखे हैं, काफी बुकिंग्स आती हैं, ठीक है। बट ये है कि इसमें आपको मतलब सेफ्टी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता अगला राइडर कौन है, तो इस चीज की आपको मतलब आपको ट्रस्ट उस पर ही करना पड़ेगा जो आपको बुकिंग्स दे रहा है, आप उसको जानते हो अच्छी तरह, ठीक है दोस्तों। तो मतलब पैसा बहुत अच्छा खासा है, बट ओला उबर के अगर भरोसे रहोगे तो आप उसमें नहीं इतना कमा पाओगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी पे इतना काम नहीं है। गाड़ी पे जो काम है वो प्राइम गाड़ियों पे है और उबर गो पर है, तो मतलब जो डिजायर वगैरह है, हैचबैक गाड़ियां है, उनपे काम छोटा मोटा पूरा करके मतलब बंदा 12-15 घंटे में आपका 2500-3000 तक का काम निकाल लेता है। तो बाकी एर्टिगा में यह है कि एर्टिगा में अगर एक दो बुकिंग आ गई तो वो पूरा उसका कवरअप हो जाता है। तो बाकी ये है कि आपका अगर कॉन्टेक्ट हो मतलब वेंडर से, वैसे प्राइवेट बुकिंग है, तो इसमें आपका काम अच्छा निकल सकता है। और काफी ड्राइवर भाई मेरे मतलब करते हैं ये काम, क्योंकि ओला उबर के उसमें तो रहते नहीं है, वो कहते हैं कि हम जैसे सपोज आप ओला उबर से कोई राइड लेकर जा रहे हो तो आप उनसे बात कर लीजिए राइडर से, उसको अपना नंबर दे दीजिए, अपना कार्ड दे दीजिए, जी सर आप नेक्स्ट टाइम कभी विजिट करो तो यहाँ चलना हो तो मुझे जरूर सेवा का मौका दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे करके अपने क्लाइंट्स आप खुद बनाओ, तो जैसे जैसे आप बनाते रहोगे, कॉन्टेक्ट में आते रहोगे, तो आपका बिजनेस भी मतलब अच्छा ग्रोथ करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई नॉलेज आपको काम आएगी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।